हाय फ्रेंड्स, सेम गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है WH क्वेश्चन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें 6 पावर्स की ज़रूरत है। आज तक हम कोई भी रूल्स के द्वारा सेंटेंस बनाते आए, आज सेंटेंस से हम रूल्स बनाए। तो मैं WH क्वेश्चन का पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये WH क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से दो हिस्सों में बांटा गया है ये सेंटेंस। WH, व्हाट इज योर प्लान, ये WH क्वेश्चन है। अभी हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो हमें 6 पावर्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो पहले हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि हमें पता चले। पहला है रेड और दूसरा है रिंग। बाद में हमें क्या करना है तो रिंग स्पीच का टेंस आइडेंटिफाई करना है, तो हमने टेंस भी आइडेंटिफाई कर लिया। बाद में लेफ्ट साइड का सब्जेक्ट होता है तो राइट साइड का ऑब्जेक्ट होता है, तो इनकी हमने प्लेसमेंट भी करवा दी है। अभी हमें क्या बनाना है, 6 पावर्स बनाना है कि हम 6 पावर्स की मदद से इसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, कभी भी शुरुआत रिंग स्पीच से होगी, वो कहीं पे भी रहे। तो रिंग स्पीच में हमने शुरुआत की है तो हमें कहाँ चेंज करना है वो पहले आइडेंटिफाई करना है। देखिए, रिंग स्पीच में जब भी वो टेंस होता है, टेंस का वर्ब होता है, वहाँ पे हमें चेंज करना होता है। मतलब पहला चेंज जो है वो यहाँ पे करना है रिंग स्पीच में। तो अभी सेड टू है, अगर सेड टू होगा, सेड टू अगर होता है तो हम क्या करते हैं, इसका WH में आस्क्ड करते हैं, आस्क्ड। तो यहाँ पे सेड टू का चेंज क्या हो गया है, आस्क्ड हो गया। तो हमने यहाँ पे आस्क्ड लिख दिया, मी जैसे का वैसा। अभी दूसरा चेंज हमें यहाँ पे करना है, दूसरा चेंज हमें यहाँ पे करना है। देखिए, ये रिंग स्पीच है, इस रिंग स्पीच को रेड स्पीच से जोड़ना है या रेड स्पीच को रिंग स्पीच से जोड़ना है, कोई बात नहीं है। तो इंटू इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्लू लगाना पड़ेगा और ग्लू को ग्रामर में हम कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो कंजक्शन होता है वो WH वर्ड ही होता है। इसके पहले हमने देखा है दैट लगा है, इफ लगा है, वेदर लगा है, तो टू लगा है, तो ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो WH वर्ड है वही WH वर्ड क्या रहेगा, एज अ कंजक्शन करके रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, WH वर्ड जैसे का वैसे ही रख दिया। अभी रह गया है रिमेनिंग। अभी रिमेनिंग को क्या करना है, एक टिप लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मेक स्टेटमेंट टू रेड। ये सबसे बड़ी टिप है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। मेक स्टेट टू रेड, रेड स्पीच कौन सा है, अगर WH क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखिए, इसको हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो पहले आएगा सब्जेक्ट, तो ये है सब्जेक्ट। स्टेटमेंट का सबसे बड़ा जो फार्मूला है वो पहले सब्जेक्ट से शुरू होता है, बाद में उसके बाद वर्ब लगता है। तो ये सेंटेंस में वर्ब इज है, तो ये इज इधर जाएगा और योर प्लान बाद में आएगा। जैसे देखिए, अभी इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टेटमेंट में, तो योर प्लान इज, ये स्टेटमेंट। अभी हमें तो बहुत ही इजी हो गया है क्योंकि हम स्टेटमेंट को कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, योर ये प्रोनाउन हो गया है, अभी इस प्रोनाउन को हमें कन्वर्ट करना है। तो सेकंड पर्सन, देखिए यहाँ पे आ गया सेकंड पर्सन ऑफ रेड, सो रेड्स सेकंड converted into rings object. अभी rings का object क्या है, देखिए यहाँ पे ये object है rings का, मतलब your ये convert हो जाएगा object में। तो object क्या है, me। अभी me का हमें पूरा क्या करना पड़ेगा, pronoun याद लेना पड़ेगा। पहला है I, दूसरा है me और तीसरा है माई और माई। तो यहाँ पे योर ये पोसेसिव फॉर्म में आता है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, माई लगाना पड़ेगा, माई प्लान जैसे का
वैसे, और फिर आ गया नेक्स्ट, क्या आता है, अगर ये रिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेड को भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो गया, टेंस में हमने क्या कर दिया, रिंग इज इक्वल टू रेड लिख दिया, ये हो गया नेक्स्ट चेंज। तो अभी इज का प्लान के लिए क्या लगेगा, वाज, और यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप रहेगा, याद रखिए क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। तो देखिए इजीली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कुछ ही सेकंड में, ही आस्क मी व्हाट माय प्लान वाज। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया, अभी हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये रेड है, ये रिंग है, बाद में हमें इसका टेंस याद करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे सेट टू है। तो चलिए यहाँ का हम इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं, तो पहले हमें रिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलिए बताइए बाद में का क्या चेंज होगा, सेट टू, सेट टू है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आस्क्ड, ओके आस्क्ड लगा दिए, बाद में क्या है हिम, और एक याद रखिए कंजक्शन क्या है हमारा, हाउ कंजक्शन है, तो चलिए कंजक्शन हमें डब्ल्यू एच वर्ड ही लगाना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है, हाउ है, तो यहाँ पे हमने हाउ भी लगा दिया। अभी इस रिमेनिंग सेंटेंस को हमें स्टेटमेंट करना है, तो आई को इधर लाइए और कैन को इसकी जगह ले लीजिए, मतलब क्या होगा, आई कैन हेल्प यू, ऐसे सेंटेंस होगा। काफ़ी ईजी है स्टेटमेंट बनाना, क्योंकि हमारा आई कैन हेल्प यू ये हो गया स्टेटमेंट। तो आई, आई कन्वर्टेड इन टू सब्जेक्ट, मतलब रेड्स फर्स्ट, रेड्स फर्स्ट किसमें कन्वर्ट होगा, रिंग्स ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, रिंग्स सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा रेड्स फर्स्ट। तो हमें शी का फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन याद करना पड़ेगा, कौन सा है, शी, हर और हर, ये तीनों है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसके कारण इसको हमें क्या करना पड़ेगा, शी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे है शी, ओके। देन कैन का पास्ट टेंस, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में रिंग इज इक्वल टू रेड, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा हमें, सो कैन का पास्ट टेंस है कूड, तो हमने यहाँ पे कूड लगा दिया, और फिर हेल्प यू, सेकंड पर्सन, फिर से हमें यहाँ पे सेकंड पर्सन मिला है, तो सेकंड पर्सन रिंग्स ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो रिंग्स का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। फिर हमें देखना पड़ेगा कि हिम का प्रोनाउन कौन कौन सा है, ही, हिम और हिज, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेना पड़ेगा, और वो है हिम, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हिम, सो शी आस्क हिम हाउ शी कुड हेल्प हिम, सो दिस इज ए इनडायरेक्ट स्पीच। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने सिक्स पावर्स अच्छे से लिख लिए हैं, सेट टू का आस्क्ड होगा, सेट का भी आस्क्ड होगा, सेट टू अगर है तो यहाँ पे आस्क होगा, से है वो भी आस्क ही होगा, कंजक्शन हम डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहे हैं, रेड्स फर्स्ट पर्सन रिंग्स सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो रेड्स सेकंड पर्सन रिंग्स ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये न्यू है, और हमें मिक्स स्टेट टू रेड, और रेड को हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को, व्हाट इज़ योर ओपनिंग टुवर्ड्स हिम, ही सेड टू, तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिंग कौन सा है और रेड कौन सा है। तो हमें जो पता है कि जो इंटू इनवर्टेड कॉमा में रहता है वो हमेशा रेड ही रहता है, और रिंग जो इंटू इनवर्टेड के कॉमा के बाहर है, रिंग स्पीच हो गया। अभी हमें क्या करना है कि शुरुआत इनडायरेक्ट स्पीच में रिंग से ही करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये लिखना है, सेट टू आइडेंटिफाई है, मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो हमें क्या करना है, आस्क करना है, हर जैसे का वैसा है। फिर हमें कंजक्शन के लिए के बाद हमें यहाँ पे ढूंढना है डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, और वो है व्हाट, तो हमने यहाँ पे व्हाट लगा दिया। अभी इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो योर ओपिनियन ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब है इस, मतलब इसको हमें इधर ले जाना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, योर ओपिनियन इज टूवर्ड्स,
ये हो गया स्टेटमेंट, क्या हुआ, योर ओपिनियन इज टूवर्ड्स ही, ये स्टेटमेंट हो गया। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, योर ओपिनियन, योर, यू, ये सेकंड पर्सन है, रेड सेकंड पर्सन, रिंग्स ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो रिंग्स का ऑब्जेक्ट क्या है, रिंग्स का ऑब्जेक्ट है हर, यानी इसका हमें पोसेसिव फॉर्म लेना पड़ेगा। तो हर का पोसेसिव फॉर्म हर ही है, हर ओपिनियन। अभी क्या है, हमें वर्ब लेना पड़ेगा इस, तो ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, तो हमें इसका भी पास्ट टेंस बनाना पड़ेगा। तो इसे लगता है इस का पास्ट टेंस है वाज, योर ओपिनियन वाज टुवर्ड्स। अभी आपको क्वेश्चन गिरा होगा कि यहाँ पे तो ही है, इसका क्या चेंज होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है थर्ड, रेड्स थर्ड पर्सन, नो चेंज, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड हर व्हाट हर ओपिनियन वाज टुवर्ड्स ही। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलिए आज हम से लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, रिंग और रेड आइडेंटिफाई करना है। तो ये हो गया रेड, चलिए आइडेंटिफाई की, और ये हो गया रिंग, हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया। तो अभी हमने रिंग का टेंस भी जान लिया कि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो चलिए देखते हैं, रिंग से शुरुआत होगी शी, यहाँ पे से है तो उसका क्या होगा, आस्क होगा। लेकिन यहाँ पे हम जब आस्क करते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि अगर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे मेन वर्ब को हमेशा यस या यस लगता है, तो आस्क को हमेशा यस ही लगता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन से है, शी, ही, इट, ये तीन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, इनको हमेशा क्या लगेगा, यस लगेगा, मतलब शी आस्क। देन क्या है हमारा कंजक्शन, डब्ल्यू एच वर्ड, और वो है वेन, तो हमने यहाँ पे वेन लगा दिया। अभी क्वेश्चन है कि ये प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे अभी देखते हैं, मेक स्टेटमेंट टू रेड, बाद में हमें क्या करना है, इसको स्टेटमेंट करना है। तो ये जो विल है, ये विल हम सब्जेक्ट के बाद में लेके जाएंगे, मतलब यू विल कम टू मीट मी, ये हो गया स्टेटमेंट। तो अभी सेकंड पर्सन चेंज इन टू द ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे। तो इस समय आपको क्या करना है, यहाँ पे ही और शी ये यूज करना है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी शी यूज किया हुआ है, तो हम राइट चांस देंगे ही को, मतलब अगर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, शी से टू हिम, ऐसे मान के चलेंगे। तो अभी हमने क्या लिख किया, यहाँ पे यू का ही हो गया डायरेक्ट, फिर विल का विल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है। यू विल कम, कम का एलवेज गो होता है, कम मतलब आना, और हम किसी और से कहते हैं तो वो जाएगा, ऐसे कहते हैं। तो कम का एलवेज क्या होता है, गो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। टू मीट मी है, यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा किस में चेंज होगा, रिंग के सब्जेक्ट में, ये हमने देखा है, फर्स्ट पर्सन रिंग के सब्जेक्ट में। जब भी हमें कोई फर्स्ट पर्सन दिखता है प्रोनाउन, तो हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे, सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे मी का क्या होगा, शी, लेकिन शी का हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा, और वो है हर। सो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, शी आस्क्स When he will go to meet her। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट में दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।